खबर गोबिंदगढ़ तो है जिथे घर के बाहर खड़ी कार नू दो नौजवानों ने अग लगा दी। हैरान करने वाली गल यह है कि यह नौजवान काफ़ी देर तक उत्थे चक्कर लगाउंदा रहा, फिर मौका देख के इसने गड्डी ते कुछ छिड़क के गड्डी नू अग लगा दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरिया विच कैद हुई है। घटना मंडी गोबिंदगढ़ के यशोदा नगर की है जिथे दो नौजवान मोटरसाइकिल से सवार होकर पहुंचे सी। एक घर के बाहर गड्डी खड़ी सी, एक नौजवान पहला तो गली विच चक्कर लगाउंदा रहा, दो तीन चक्कर लगाउण तो बाद एकदम कार के नज़दीक पहुंचया, कार ते कुछ छिड़किया ते अग लगा के उत्थों फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरिया विच कैद हुई है। इस घटना तो बाद इलाके विच लोगों भारी रोस पाया जा रहा है। जिस तरीके नाल इस वारदात नू अंजाम दिता गया है ते मुलजम मौके तो फरार होए ने, सीसीटीवी विच कैद होईयां ने तस्वीरां, पर हाले तक इन्हां दा पता पुलिस नहीं लगा सकी है। तो गोबिंदगढ़ के यशोदा नगर की यह घटना है जिथे दो नौजवानों ने इस वारदात को अंजाम दिता है। तो घर के बाहर खड़िया गड्डिया भी सुरक्षित नहीं, दो नौजवानों ने घर के बाहर खड़ी गड्डी अग लगा दी। मौका देखते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिता तो मौके तो फरार हो गए। धर्मेंद्र सिंह गोबिंदगढ़ तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, की है पूरा मामला, किस तरह वापरी है वारदात? जी विवेक, बड़ी हैरान करने वाली जी घटना हुई है कि जिहड़े दो नौजवान ने वह मोटरसाइकिल से सवार होकर देर रात को आते हैं तो मूँह इन्हों के बन्ने होंगे ने, तो एक साथी घटना वाली थान तो थोड़ा पिछे खड़ा हो जाता, तो एक नौजवान जिहड़ा उत्थे मौके पर आता पहला आले दुआले रेकी करता, गली दे विच देखता कि उत्थे कोई चौकीदार तो नहीं, तो उस तो बाद जिहड़ी गड्डी नू टारगेट किया हुंदा उसके बोनट से कोई चीज छिड़क के अग लगा दी जाती है, तो जो अग दियां लपटां काफी ऊंचाई तक जांदियां ने तां नौजवान उत्थों भज जांदा, तां उस तों बाद रिहायशी इलाका इह दो घंटे तक किसी नूं पता नहीं लग्या कि गड्डी नूं अग लगी हुई है। बीती रात रात एक बजे दे करीब अग लाई गई, तां जदों उत्थों राउंड कढ रहे सी चौकीदार तां तीन बजे उन्हां ने सामने मकान मालक दे डोर दी बैल वजाई ते उन्हां नूं जगा के दस्या कि तुहाडी गड्डी नूं अग लगी हुई है। पहला तां इह मन्निया जा रहा सी कि शायद शॉर्ट सर्किट नाल ना अग लग गई होवे, पर जदों कैमरे चैक करे तां वो आप हैरान रह गए कि किसी ने रंजिशन जिहड़ी है अग लाई आ। सवाल यह उठता कि हो सकता है किसी की कोई निजी दुश्मनी होवे, उन्हें अपनी खुंदक कढ़न दे लई इह वारदात करती, पर रिहायशी इलाके दे विच इस तरह गड्डी नूं अग लगाउणा दूजे लोगों की जान भी खतरे च पाई गई आ। जेकर कोई भी अग की चंगाड़ी किसी के घर चले जाती तो वड्डा नुकसान हो सकता सी, किसी की जान भी जा सकती सी, ते दूजे पासे गड्डियां देखदे आ कि जदों अग लग जांदी आ तां कई वार ब्लास्ट भी कर जांदी आ, जेकर गड्डी ब्लास्ट कर जांदी तां होर भी नुकसान होना सी। सो किते ना किते इह इक वड्डा सवाल आ कि शहरां दे विच आम देखिया जांदा कि असीं तंग गलियां होण करके जां स्पेस घट होण करके गड्डियां बाहर लोक ला दिंदे ने, इस माहौल दे विच बिल्कुल भी जिहड़ियां लोकां दे नाल नाल गड्डियां भी हुण सुरक्षित नहीं रहियां हैं। जी त्रिमेंद्र, इह भी जानना चाहांगे कि जिस व्यक्ति की गड्डी अग लगाई गई है फुटेज देख के उसने कुछ अंदाजा लगाया है, पहचान हुई है कि व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिता है? विवेक, उन्होंने साड़ी गलबात हुई थी, वो विनय कुमार नामक के स्क्रैप कारोबारी ने, वो कहते साड़ी किसी नाल रंजिश तो है नहीं, पर हो सकता कि कारोबार के सिलसिले दे विच जां महल्ले दे विच कदे कोई छोटी मोटी गल नूं लैके किसी नाल तकरार होया होवे तां उस खुंदक दे विच इन्हां नौजवानां ने अग लगा दित्ती होवे, जां इह वी हो सकदा कि किसी ने इह नौजवान हायर कीते होण ते अपनी रंजिश कढ़न दे लई इह अग लगाई होवे। बिल्कुल धर्मेंद्र, तस्वीरां सीसीटीवी विच काफ़ी साफ ने, काफ़ी अगर बंदे नूं किसी ने पहलां देखिया होवे जां उहदा कोई जानकार होवे पछाणिया जा सकदा बंदा। पूरे मामले ते हुण पुलिस की कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, विनय कुमार जिहड़े गड्डी दे मालक ने उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नाल एक रिटन कंप्लेंट संबंधित थाने दे विच दित्ती है, तां पुलिस ने सब तो पहला महल्ले दे विच जिहड़े पतवंत सज्जन ने जिस तरह एम सी कह लो जां साबका एम सी उन्हां नूं थाने बुला के फुटेज दिखाई सी, ते कुछ नौजवानों नूं भी बुला के वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है कि शायद जिहड़े आ उह इलाके दे लोक ना होण, पर फिलहाल हाले तक कोई सुराग नहीं मिलिया। दावा किया जा रहा है कि छेती ही इन्हों ट्रेस करके जरा गिरफ्तार किया जाएगा। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोबिंदगढ़ तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे घर के बाहर खड़ी कार नू दो नौजवानों ने अग लगा दी। दो नौजवान मोटरसाइकिल से सवार होकर गोबिंदगढ़ के यशोदा नगर पहुँचे सी, वो इलाका जिथे गड्डी खड़ी सी। एक नौजवान पहला तो उत्थे चक्कर लगाउंदा रहा, मौका देख के उसने कार ते कुछ छिड़किया, उस तो बाद गड्डी नू अग लगा के ये मौके तो फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे विच कैद हुई है। दूजे पासे
जिस व्यक्ति की एक कार है उस वालों पुलिस को मामला दर्ज करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज उस वालों ही पुलिस नाल सांझी की गई है। तो घर के बाहर खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं। जिस तरीके नाल इस वारदात को अंजाम दिया गया उस तो बाद कई तरह के सवाल पुलिस की मुस्तैदी पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस घटना तो बाद लोगों में सहम पाया जा रहा है। जिस तरीके नाल घर के बाहर खड़े वाहन अग लगा दी गई है उस तो साफ जाहिर हो रहा है कि गैर समाजिक अंसरां दे हौसले बुलंद ने।